की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाए गए, जिसमें अवैध शराब परिवहन करने वाले 6 लोगों की गिरफ्तार कर 3 बाइक से 7 लीटर अवैध शराब जब्त हुई है। साथ ही सट्टा पट्टी की कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 5,230 नगद एवं लगभग 1,00,000 रुपए का सट्टा पट्टी जब्त की गई है। अवैध शराब की बिक्री और सट्टे की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिस पर पुलिस महानिदेशक महोदय, पुलिस महानिरीक्षक महोदय के निर्देश पर एक विशेष अभियान चलाया गया है पूरे ज़िले में, और इसी के तहत पलारी क्षेत्र के संडी एरिया में आज कार्रवाई की गई है, और जहां से एक्साइज एक्ट की 3 कार्रवाई की गई है, जिसमें टोटल 6 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं लगभग 60 लीटर शराब के साथ, और 3 बाइक्स भी उसमें जब्त किए गए हैं। इसी प्रकार वहाँ पर सट्टे की कार्रवाई करते हुए 2 सट्टे की कार्रवाई भी की गई है, और सट्टा पट्टी और जो कैश है वो बरामद किया गया है, और ये कार्रवाई एक विशेष टीम के द्वारा किया गया है जो पुलिस अधीक्षक बलौदा बाजार ने गठित की है, और समय समय पर ये पूरे ज़िले में अब इस प्रकार की कार्रवाई ये होती रहेगी, और ये जस्ट एक कदम था, और आगे जहाँ पर भी अवैध कार्य चल रहे होंगे या संलिप्तता होगी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। 5,660 रुपये है, 3 लोग अरेस्ट हुए हैं इसमें, और 1,00,000 की सट्टा पट्टी। शराब के मामले में कार्रवाई होती, लेकिन शराब की जो अवैध बिक्री उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, खासकर पलारी क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा जो खेत है शराब का, वहाँ होता है। लगातार अपन कार्रवाई कर भी रहे हैं, इसके पहले भी कार्रवाई किए हैं, आज भी जो शराब है, कुछ तो ऐसी शिकायतें आ रही थी कि वहाँ के जो देशी शराब है उसके संबंध में काफ़ी कंप्लेंट्स थी, उसको लेकर के आज कार्रवाई किए हैं। और खबर कोरिया से, राज्य सूचना।